गांव कडूद कला में पिछले एक सप्ताह से चल रहा जल सत्याग्रह आंदोलन आठवें दिन नायब तहसीलदार नेहा शाह के निर्देश पर नाली खुदाई का काम शुरू होने व एक माह में निर्माण कार्य पूर्ण करने के आश्वासन पर समाप्त हुआ। इंद्रावल्ची राखान सड़क पर जल भराव की समस्या पिछले 3 साल से स्थानीय लोगों के लिए आफत बनी हुई थी। कान वन मांगोद सड़क निर्माण की ऊंचाई अधिक होने व जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के बाद यह स्थिति बनी थी, जिसे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम विभाग द्वारा बनाया गया था। लगातार बारिश के चलते समस्या ग्रस्त इंद्रावल सड़क पर बसे लोगों का गांव से संपर्क पिछले 3 माह से टूट चुका था। गांव में आने के लिए या तो भरे पानी से गुजरना पड़ता था या फिर इंद्रावल बिडवाल होकर गांव में आना पड़ता था। आज समस्या पर समाधान करने व एक माह में कार्य पूर्ण करने के आश्वासन पर जल सत्याग्रह में सहभागी बनी सोनाक्षी पटेल ने नायब तहसीलदार नेहा शाह का पुष्पमाला से स्वागत किया। जितेंद्र धाकड़ ने शासन प्रशासन और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के सहायक महाप्रबंधक आशीष पटेल से जब निर्माण कार्य के संदर्भ में बात की तो उन्होंने बताया कि 80 मीटर लंबाई में नाली निर्माण 3.3 बॉक्स कन्वर्ट में बनाई जाएगी। वह सड़क कटिंग कर अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 1200 mm के 5 पाइप की एक लाइन डाली जाएगी। जैसे ही मौसम साथ देता है कार्य को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कानवन थाने से थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बासकली, विपिन कटारा, आरक्षक अजीत सिंह राठौर, ऋतुराज सिंह चौहान, हल्का पटवारी सचिन पाटीदार व चौकीदार मौजूद थे। आज भी ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव मौके से नदारद रहे। लगातार 5 दिन से जल सत्याग्रह कर रहे आंदोलनकारियों को बुखार, खुजली, जलन व पांव में चमड़ी का गलना शुरू हो गया था, जिस पर आज आयुष विभाग कानवन से आए चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी गई। आंदोलनकारियों में कैलाश पटेल, राकेश पटेल, पप्पू सिंह पवार, विजय विश्वकर्मा, महेश पटेल, राजेंद्र धाकड़, नारायण पटेल, सहदेव धाकड़, सालिग्राम धाकड़, आशीष विश्वकर्मा, राजेश गिरी गोस्वामी, जितेंद्र मुनिया, रवि मुनिया, कांति लाल धाकड़, महेश धाकड़, कैलाश गहलोत, ललित जैन, जितेंद्र धाकड़, सुनील मुकाती, सुभाष मुनिया, सोनू धाकड़, रवि धाकड़, राजेश पटेल, विनोद धाकड़, उमेश धाकड़, दिनेश धाकड़, विजय धाकड़, सिवा ओसवी आदि समस्याग्रस्त रहवासी महिलाएं बच्चे भी आंदोलन में सहभागी बने। धार जिले के कडूद कला से कृष्णा मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। आपको फंड की कमी थी, फंड उपलब्ध करवा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग अवैध के कारण ही मतलब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे। जो खरीदेगा पूरा पक्को करना, किसी भी काम को होने में समय लगता है, खड़े पे कोई भी काम नहीं होता। अब आप लोग ये बोलेंगे हमको तो अभी पानी निकलवाना, नहीं बोल रहे मैडम, अभी का नहीं बोल रहे, ये लोग अभी का बोल रहे हैं, अभी का नहीं बोल रहे। आपने बहुत दिन तो बोला नहीं कि 3 शनिवार का दिन काम चालू कर देंगे। शनिवार के दिन आपने बोला था ना, काम मान लिया कि नहीं मान लिया, सब बाहर हो गई थी। चलो सर, अभी एक काम, अरे काम हो गया, चलो आज का हो गया। वर्तमान आप अभी क्या अपना गाँव में समस्या हो तो इसीलिए खड़ा रोना देना पड़ा। मेरा काम था एमपीआरडीसी को बुलाना, देखिए रोड मुझे नहीं बनाना है, ठीक है, मुझे निर्देश देने हैं, मुझे उन लोगों से सहमति लेनी है, वो मैंने कर लिया अपना काम, उन लोगों को मैंने निर्देशित कर दिया, आप लोगों को बता दिया। बीच में अगर आपके गाँव वाले ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं कैसे सॉल्व करूंगी बताइए। ये तो आप लोगों का आपसी का होना चाहिए ना। ठीक है, वो गाँव के गाँव में भी हो गई है समस्या है जल भराव की, इसके निकास के लिए हमने पूरी व्यवस्था बना ली है, योजना बना ली है, आपकी पक्की नाली बनवाएंगे वहाँ से लेके और वहाँ नाले तक, आगे से कभी इस तरह की दिक्कत आपके यहाँ पे नहीं आएगी। और आपके यहाँ की लोकल जो समस्या थी, आपस में जो टकरावट थी, उसको भी दूर कर दिया, हमने आपस में मिलकर सबने बैठ के बात कर ली है, अब आपको इस तरह की आगे दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और अब अपने को विवाद नहीं करना चाहिए, बेवजह की बेमतलब की बातें करने से सब नुकसान हो जाता है, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। वो कितनी बार इसमें भी आपका सीसी हम अगली बार करवा देंगे, अभी तो नहीं पर अगली बार करवा देंगे, अभी आपका नाली का काम पूरा कर देंगे, मुरम डलवा के आपका काम कर देंगे, आपकी ये दिक्कत परमानेंट दूर कर देंगे, आपको अगली बार कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। कब तक सर इस आप इसको समाप्त करोगे, आपके सत्याग्रह कब तक हो जाएगा? ये चालू हो गया काम आपके सामने, लिमिटेड अवधि बता दीजिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। आपकी नाली का काम तो 1 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा पूरा,
आप एक बात है, आप भी थोड़ा संयम रखना, संयम रखना और बोली से सब गड़बड़ हो जाता, बना काम बिगड़ जाता है, और सब सहयोग करेंगे अपन सब मिलके, और आगे भी अपने गांव की खुशहाली के लिए इसी तरह काम करेंगे, ठीक है।